हमारा स्टेट में आपको नहीं लगता है कि पोल्यूशन का जो चार्जेस है सर वो थोड़ा ज्यादा है? आप देखता होगा हम लोग का गाड़ी का भी चेकिंग होते ही रहता है। पोल्यूशन को लेके मैं भी जब भी जाता हूँ गाड़ी रुकाते रहता है, ठीक है। तो इसको लेके अच्छा हुआ हम हमारा DTO साहब को मैं यहाँ आज नहीं आया, उसका ड्यूटी इधर रहता है, मैं आज उनको बात कर रहा था कि इसको एक बार देख लेना है। जो लेकिन आदमी लोग फिर जेन्यून नहीं होता है ना, आप देखता होगा हम लोग का गाड़ी का भी चेकिंग होते ही रहता है, नहीं होते रहता है तो इतना चेकिंग होता है, अभी तक तो गाड़ी चेकिंग करने का गाड़ी होना भी नहीं चाहिए। पोल्यूशन का भी रुकाते रहता है, आज तक तो इतना रुकाया पोल्यूशन जिसको चेक करने के लिए गाड़ी होना नहीं चाहिए। आपका पोल्यूशन कागज ठीक होने से भी दिखाना पड़ रहा है ना, ऐसे रुका देता है। अच्छा कहीं आप लोगों का जो ये मीडिया में जो देख रहा है, मेरा आप लोग से सवाल है, मदद करो हमको, हम भी नहीं जानता है, कुछ ऐसे हमको रास्ता बताओ कि जहाँ एक बार आपका पोल्यूशन चेक हो गया तो वो पोल्यूशन का कुछ एक सिस्टम होगा उसको देखने का साथ साथ ना जाने देगा, पहले से जो वेरीफाइड है, हो वेरीफाइड जिसका हो गया, नहीं जिसको वेरीफाइड है उसको भी रुकाते रहेगा, उसको भी दिखाते रहेगा, चेक करते रहेगा, वो एक तो हो गया। दूसरा है कि हमारा जो पब्लिक जो है गाड़ी चला रहा है वो लोग अपना से भी ना पोल्यूशन जिसका कागज़ नहीं है वो समय पे टाइम पे दिखाए, और आप लोगों को कुछ तकलीफ आए तो हमको बता देगा, मैं DTO को बात करूँगा, इंस्ट्रक्शन दूंगा, आपका डिफिकल्टीज क्या है? सर मेरा सवाल जो ये है कि अभी वो बात है कि आप इतना पोल्यूशन को चेक करके आप पोल्यूशन भी कागज होगा रिन्यू में भी पूरा पैसा लेते हैं, लेकिन पैसा लेने का बावजूद भी आप एक भी ऐसा जो एंटी पोल्यूशन का काम तो किया नहीं है, फिर ये पोल्यूशन डिपार्टमेंट एंटी पोल्यूशन डिपार्टमेंट भी टेंडरिंग सिस्टम पब्लिक कोई ऐसे मार्केट नहीं नहीं तो वो जो पैसा जो सरकार अलग अलग सवाल है तो रेवेन्यू को आप पूछ रहे हैं ना, नहीं इसको एग्जैक्ट रेशियो क्या है वो हम आपको नहीं बता पाएगा, लेकिन वो एक रेशियो है जो जो वेंडर्स को अभी दिया गया है, कुछ रेशियो है, कुछ रेशियो का मुताबिक से वो पैसा जो है सरकार का उधर जाता है और कुछ पैसा जो है वो लोग लेता है। तो जो सरकार का पैसा जाता है अभी आप देखिए सरकार का पैसा जो है एक ही जगह में जाता है, एक है अभी आपको GST का बात मालूम ही है, GST में कुछ पैसा जो है सेंट्रल में जाता है, कोई स्टेट में जाता है, तो उसका मुताबिक से जितना भी जो हमारा इनकम जो आता है, टैक्स जो आता है, पोल्यूशन का जो आता है वो सरकार का खाता में चला जाता है, तो सरकार का खाता से आने के बाद फिर पैसा सरकार जो जहाँ सपोज स्टेट गवर्नमेंट में गया या सेंट्रल गवर्नमेंट में, क्योंकि उसमें तो जिस जिसका हक है उसमें चला जाता है, तो उसका मुताबिक से हम लोग को फिर स्टेट में उसको बजटिंग करता है। अभी वही बात को लेके हम लोग का जो अभी रोड सेफ्टी का भी जो टैक्स आता है बहुत पैसा आता है रोड का, तो रोड का जो जो उसको पैसा को लेके अभी हम लोग जैसे बहुत से रास्ता को इम्प्रूव करना चाहता है तो उसमें भी हम लोग पैसा मांगता है, तो पैसा मांगता है तो देगा बोलता है, अभी तक हम लोग लिया नहीं है। अभी जैसे कि हम लोग ये कुछ ये ट्रैफिक सिग्नल लगाना चाहता है तो इसको इस्टीमेट बना के बजट बना के दो बोलता है, उसको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है ना, अभी आप जो बात कर रहा है उसका नोडल डिपार्टमेंट है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, तो उनसे हम लोग वो पैसा को लेके अभी सड़क का टैक्स लेता है आपका पोल्यूशन का, जैसे तो पोल्यूशन का जो पोल्यूशन का नाम में पैसा लेके दूसरा में यूज होगा ना सर? ये दूसरा में यूज नहीं होगा, लेकिन वो जो है कहीं ना कहीं ये पोल्यूशन रिलेटेड में भी यूज होगा। तो अभी तक क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल में ये सवाल जवाब नहीं होता है, ये तो गवर्नमेंट लेवल में होता है, इसलिए उसको हम आपको नहीं बता पाएगा। सर जैसे कि आप पोल्यूशन के ऊपर बात कर रहे थे, सर मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ, मुझे कोई पूछा है जी जी सर,
आपको मैं ये सवाल करना चाहता हूँ, हमारा स्टेट में आपको नहीं लगता है कि पोल्यूशन का जो चार्जेस है सर वो थोड़ा ज़्यादा है? ये ऑल इंडिया का रेट है, तो मोटर व्हीकल एक्ट का अंदर में जो भी कानून होता है वो ऑल ओवर इंडिया होता है, तो अभी तक ऐसे कोई बात नहीं है। सर हमारा यहाँ पे फोर व्हीलर को 300 रुपया लिया जाता है, हम कहीं कहीं बाहर पे है 80-100 रुपया में बन जाता है पोल्यूशन। हाँ मैं जल्दी ही एक मीटिंग करने वाला है और इसको लेके हमारा द्वितीयों का साथ, उसका बाद आपको जवाब देंगे। थैंक यू सर, थैंक यू।